ग्राम पंचायत भिलगांव से शिक्षित मिलनसार समाजसेवी और हर समय जनता के लिए उपलब्ध रहने वाली गरीबों की मदद करने वाली लताबाई जयसिंह मंडलोई को जनता ने सरपंच पद के लिए चुना है। जयसिंह मंडलोई ने ग्राम भिलगांव और अरिहंत नगर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए SW24 न्यूज संवाददाता को बताया कि ग्राम पंचायत के जो रुके हुए कार्य हैं उन्हें तीव्र गति से आगे बढ़ाऊंगा, साथ ही पंचायत वासियों को शासन की मूलभूत योजनाओं का लाभ गरीब और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा क्षेत्र की पहली कॉलोनी अरिहंत नगर जो भिलगांव पंचायत के अंतर्गत आती है वहां भी साफ सफाई, नाली एवं लाइट की उचित व्यवस्था की जाएगी। अखिल खान की पंचायत चुनाव पर खास रिपोर्ट। हमारे बीच में नव निर्वाचित सरपंच लता भाई एवं जयसिंह भाई मौजूद हैं। जयसिंह भाई जो कि एक समाज सेवी भी हैं और बिना पद के भी आप समाज के लिए बहुत सारा काम करते रहते हैं। अब आपके पास सरपंच का पद है, सबसे पहले तो जनता ने आपको चुना, क्या कहना चाहेंगे? जयसिंह भाई आप बताइए कि क्या योजनाएं लेकर आए थे, जनता को क्या आप फायदा देना चाहते हैं, क्या लोग देना चाहते हैं? सर्वप्रथम मेरे समस्त ग्राम के मतदाता बंधुओं का, माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर हमें सरपंच बनाया। हम उसके बहुत बहुत आभारियों का धन्यवाद करते हैं। हम हमारे गाँव के विकास कार्य में जो गति रुक चुकी थी उसको हम गति दे करके शासन की मूलभूत योजनाओं से हर गरीब तबके को जोड़ करके ग्राम में जो भी आवासहीन है उनको आवास दिलाने का काम और पेंशन जिनको नहीं मिल उनको पेंशन दिलाने का काम और BPL में जो छूट गए ऐसे लोगों का नाम जुड़वा करके हर गरीब तबके तक शासन की योजनाओं का फायदा दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि ग्राम में विकास बढ़े और ग्राम की मूलभूत सुविधाएँ जैसे पेयजल व्यवस्था एवं नाली निर्माण, RCC रोड, अनेक प्रकार की समस्याएं जिनको मैं सर्वप्रथम मूलभूत सुविधा का कार्य करके गांव में विकास कार्य को गति दूंगा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में भी मेरा अतिरिक्त ध्यान होकर के गांव में जो स्वास्थ्य शिक्षा है, स्वास्थ्य एवं शिक्षाओं पर अभी तक जो नई गति दे पाए तो उसको मैं अपना पूरा प्रयास करके गाँव वालों को सुविधाएँ दिलाने का प्रयास करूँगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? मेरा ये निवेदन है कि अरिहंत नगर के भी निर्माण कार्य, अरिहंत नगर एक सर्वप्रथम कॉलोनी है ग्राम पंचायत भिलगांव की, जहाँ भी कई दिनों से विकास कार्य नहीं हो पाए थे मैं वहाँ के विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से वहाँ के ग्रामीणों को, मतदाताओं को जोड़ूंगा एवं सभी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य वोट दे करके हमें सरपंच लायक समझा, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आभारी रहूँगा उनका कि मैं उनके मत का सदुपयोग करते हुए उनके खरे खरा उतर करके जनता की सेवा कर सकूँ। हमारे बीच में जयसिंह भाई और नव निर्वाचित सरपंच लता बहन हमारे बीच में हैं तो और अभी नव निर्वाचित सरपंच हैं जयसिंह भाई जी जो है इस क्षेत्र के जाना माना चेहरा है, जो नेता तो है ही हैं, समाज सेवी भी हैं और बिना पद पे रहते हुए भी वो हम लगातार समाज की सेवा करते रहते हैं, तो अब जो है उन्हें पद मिला है और जनता के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आए हैं हम जयसिंह जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन दोनों से कहूँगा कि जो जनता ने उन्हें चुना है तो वो जनता का आभार व्यक्त करें। मैं सर्वप्रथम समस्त मतदाता बंधुओं, जनता का बहुत बहुत आभार मानता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य वोट दे करके हमें सरपंच के लायक समझा है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानते हैं। जैसे भी क्या योजना लेकर आए थे जो जनता ने आपको इतने मतों से विजयी बनाया, क्या चीज़ें हैं जो आप जनता को देना चाहते हैं? हम गरीबों के लिए हर योजना लाने का प्रयास कर रहे थे और हम पहले भी जब नहीं थे जब भी गरीबों से जुड़े हुए थे हर गरीब को छोटे तबके की हर समय मदद करते थे, जैसे हम नहीं रहे तो उसको अस्पताल तक पहुंचाना, उसकी गरीबी आर्थिक स्थिति से जो आवश्यकता हो करना, उसके नाली और कोई विवादित काम हो उसके घर पे जाके उसके सहयोग करना और अनेक प्रकार के न रहने पे भी हम करते थे। अगर हम बन गए तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको शासन की योजनाओं से पूरा पूरा सहयोग और भागीदार बनाए कि जिसके कुटीर से कई लोग हमारे अवंचित हैं तो उनको भी हम कुटीर और पेंशन लाभ और गाँव के विकास कार्य में हम सर्वप्रथम
करेंगे। जय सिंह भाई, जैसे कि नगर से लगी हुई सबसे पुरानी और बहुत बड़ी कॉलोनी अरिहंत नगर, जिसका भी आपको बहुत सहयोग मिलता है, तो वो कॉलोनी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो आप उनके लिए क्या सौगात देना चाहेंगे? हम अरिहंत नगर में जैसे नाली का पानी निकासी ने उसका सर्वप्रथम पानी निकासी करके स्ट्रेट लाइन का काम अतिशीघ्र जितना भी जल्दी हो सके उसको पहले हम प्राथमिकता के आधार पर के अरिहंत नगर की कॉलोनी का काम निवासियों को करके देंगे, एवं वहाँ के RCC रोड जो बाकी है उनको भी सर्वप्रथम कराएंगे। और वहाँ पर हमारा प्रयास रहेगा कि छोटा सा स्कूल प्राथमिक विद्यालय खुल जाए, ये हमारा स्वास्थ्य और इस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। तो ये थे जयसिंह भाई, जिन्होंने अरिहंत नगर को एक सौगात स्कूल के रूप में देने की बात कही है। और कैमरामैन अबरार पठान के साथ में आकिल खान, SW News कसरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW 24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।